बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है जब हम अलग अलग वेरिएंट आने के कारण और उनकी पहचान न होने के कारण, उनकी जांच में लंबा समय लगने के कारण, कई बार चिकित्सक इलाज की सही दिशा को नहीं पकड़ सकता था। लेकिन आज जीन सीक्वेंसिंग यूनिट द्वारा हम जो नए वेरिएंट आते हैं, नए वेरिएंट की जानकारी और उस वेरिएंट की जानकारी के बाद सही दिशा में इलाज कर पाए। हम सबको पता है कि अब देश और दुनिया के अंदर बीमारियां, मौसम बीमारियां के साथ साथ कई वेरिएंट के कारण भी बहुत बड़ी महामारी आती है, और हमने कोरोना वैश्विक महामारी में देखा है कि एक वेरिएंट के कारण पूरी दुनिया के अंदर, कोविड के कारण पूरी दुनिया प्रभावित हुई, सामाजिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी प्रभावित हुई। कई परिवार के लोग हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन हमारे चिकित्सकों ने, हमारे नर्सिंग स्टाफ ने, हमारे अटेंडेंटों ने, हमारे सफाई कर्मों ने, सभी चिकित्सा में क्षेत्र में काम करने वाले लोगों ने जिस त्वरित गति से कार्य किया, जिस समर्पण सेवा से काम किया, अपनी जान की परवाह किए बिना कोविड के समय लाखों लोगों की जिंदगी बचाने का काम किया, वो सब धन्यवाद के पात्र हैं। और इसी कारण चिकित्सकों का सम्मान भारत में और बढ़ा है। लेकिन हम इस सब कोरोना महामारी के कारण हमें एक सीख दे गए, एक दिशा दे गए कि कभी भी कोई भी वेरिएंट दुनिया के अंदर आ सकता है, और उस वेरिएंट आने के बाद जो हमारी चिकित्सा इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी होना चाहिए, उस दिशा के अंदर हमने तैयारियां शुरू कर दी है, और हमारे चिकित्सा इंफ्रास्ट्रक्चर को हम इस तरीके से तैयार कर रहे हैं कि कोई भी वेरिएंट आए तो उस वेरिएंट की जानकारी चिकित्सक को मिल जाए और उसके बाद उस मरीज का इलाज हो पाए। ये कोरोना वेरिएंट एक वेरिएंट है, उसके बाद और वेरिएंट आ सकते हैं, भगवान करे नए आए वेरिएंट। लेकिन हमें तो चिकित्सा के नए अनुसंधानों, नए रिसर्चों के आधार पर हमें हमेशा भविष्य की तैयारियों को करके रखना पड़ेगा, और इसी का एक मूल जो लेबोरेटरी है, आज माइक्रोबायोलॉजी विभाग ने जो आवश्यकता महसूस की थी कि हमें एक जीन सीक्वेंसिंग यूनिट होना चाहिए ताकि हम वेरिएंट की जानकारी प्राप्त कर सकें, इसी तरीके से वीडीआर लैब जो वायरस की जानकारी के लिए जो जो संसाधन उपलब्ध कराना है उसकी भी शुरुआत हमने कर दी है, और उसी के साथ साथ बीएसएल 3+ लैब जिसकी बहुत समय से मांग थी। पहले सरकार ने यहां पर बीएसएल 2 लैब स्वीकृत की थी, लेकिन हमारे प्राचार्य सरदाना साहब बड़े सक्रिय प्राचार्य हैं, उन्होंने मुझे जानकारी दी कि अगर बीएसएल 3+ लैब आ जाए तो हम इबोला, निभाए जैसे वायरस की जांच भी यहां कर पाएंगे, क्योंकि हमें इन वायरसों की जांच करने के लिए अभी कभी पूना, कभी बंबई, कभी दिल्ली और कुछ चीजों को जयपुर भेजना पड़ता था, उसकी जांच में एक दो दिन का समय लग जाता था। जब तक उस वेरिएंट का प्रभाव बढ़ने के कारण मरीज और सीरियस हो जाता था, लेकिन इन सब संसाधन उपलब्ध होने से हम भविष्य के अंदर काफी हद तक जांचें यहां कर पाएंगे। भविष्य में हमारी कोशिश है कि जो दुनिया के अंदर बेहतरीन जांचें हो सकती है, हम किस तरीके से सरकार से, जनसहयोग के माध्यम से
वह सब लेप वह सभी संसाधन या उपलब्ध कराएं, क्योंकि कोटा एक हाड़ौती नहीं, पूरे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सटोरे इलाके के लोग यहाँ पर इलाज कराने आते हैं। यहाँ के चिकित्सकों की विशिष्टता, प्रमाणिकता, सस्ता इलाज, जिसके कारण कई बार मध्य प्रदेश के मरीज भी मुझे संपर्क करते हैं और मध्य प्रदेश के तो बहुत बड़ी संख्या में इलाज कराने लोग यहाँ पर आते हैं। इसलिए ये कॉलेज ने जिस तरीके से प्रगति की है, अभी प्राचार्य महोदय मुझे बता रहे थे, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस ने जो एक रैंकिंग निकाली, उस रैंकिंग के अंदर हम बहुत सालों से स्थापित मेडिकल कॉलेजों से आगे आ चुके हैं, एम्स के जोधपुर से भी आगे आ चुके हैं। ये हमारे चिकित्सकों के, यहाँ के चिकित्सा इंफ्रास्ट्रक्चर की एक शक्ति है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर आप कितना भी तैयार कर दो, शायद मैं देखता हूं कि 3000 बेड का मेडिकल कॉलेज बहुत कम है, 3000 बेड कम नहीं होते, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर कितना भी तैयार कर लो, लेकिन जब तक चिकित्सक बेहतरीन तरीके से और सेवा से काम नहीं करेंगे, हम परिणाम नहीं दे सकते। लेकिन आपने जिस समर्पण सेवा से काम किया, जिसके कारण हमारी रैंकिंग की सुधरी है, हमें और सुधार करने की आवश्यकता है। विशेष रूप से मैं धन्यवाद दूंगा कि यहाँ पर किडनी ट्रांसप्लांट होने लगे, घुटने के ट्रांसप्लांट होने लगे, अब जब कभी हमें हार्ट के लिए प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ता था, अब कैथ लैब भी हमारी स्थापित हो चुकी है और सुपर स्पेशलिस्ट सेवाओं के रूप में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हमारी कोशिश तो है कि आने वाले समय में जितने भी अंग प्रत्यारोपण होने वाले हैं, उसकी एक यूनिट यहाँ पर बने और एक बेहतरीन सर्विस यहाँ पर दे सकें, ताकि हमारा लक्ष्य तो, हमारे सपने बहुत बड़े हैं, हमारे सपने तो जो देश के अंदर बड़े हॉस्पिटल और निजी अस्पताल में होते हैं, वह हम कोटा मेडिकल कॉलेज में करने के सपने देखें, और सपने जब बड़े देखेंगे तो उसको प्राप्त करने के लिए उतने ही प्रयास करेंगे। जितनी अपेक्षाएं आकांक्षाएं लोगों की होगी, उतनी अपेक्षा आकांक्षाओं को हम पूरा करने का काम करेंगे, और इसीलिए हमारी कोशिश है कि मेडिकल कॉलेज एक सर्वश्रेष्ठ मेडिकल कॉलेज बने। और विशेष रूप से मेरा यहाँ पर इतना ही आग्रह है कि हमें इमरजेंसी यूनिट ऐसी बनाना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी के अंदर कभी भी कोई इमरजेंसी होती है तो सबसे पहले वो सरकारी हॉस्पिटल में आता है, चाहे MBBS में आए चाहे न्यू मेडिकल कॉलेज में आए। हमारी इमरजेंसी के अंदर अगर हमने त्वरित रूप से उसका उपचार कर दिया और किसी व्यक्ति का उपचार कर उसकी जान बचा ली, इससे बड़ा पुण्य का काम कुछ नहीं हो सकता। इसलिए प्रिंसिपल साहब, मेरा ये आग्रह है कि हमें इमरजेंसी यूनिट कैसी बनानी चाहिए, इस पर एक बेहतरीन विचार करना चाहिए और एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना चाहिए जिसके अंदर इमरजेंसी में सभी विभागों के चिकित्सक उपलब्ध हो, क्योंकि यहाँ पर PG के अंदर 186 सीटें आ चुकी है, सुपर स्पेशलिस्ट में भी अभी 12 सीटें आ चुकी है, हर सेक्टर के अंदर सीटें आ चुकी है, और आने की संभावना है, और हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर सुपर स्पेशलिस्ट में और सीटें मिले, हर डिपार्टमेंट को मिले। कैंसर का जहां तक सवाल है कि कैंसर की एक बड़ी यूनिट यहां बनना चाहिए, क्योंकि हाड़ौती के अंदर कैंसर की बहुत बड़ी संभावना है। अभी टाटा कंसल्टेंसी यहाँ पर सब चीजों को देखकर गई है, मेरी प्राचार्य महोदय से बात हुई है, आप निश्चित मानिए मेरी कोशिश है कि कैंसर की एक बेहतरीन यूनिट, जो देश में सबसे बढ़िया यूनिट है, वह हम कोटा में लगाने में बहुत जल्दी प्रयास को पूरा कर पाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पर प्राइवेट वार्ड के बारे में भी चर्चा हुई, मैं विधायक महोदय को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए दिया, मैंने प्राचार्य महोदय से कहा इसका पूरा का पूरा एक प्रोजेक्ट बनाए, 100 बेड का एक प्राइवेट रूम्स बनाए, ताकि किसी भी व्यक्ति को प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने न जाना पड़े, उसको यहां पर सुविधाएं मिले, और उस प्रोजेक्ट में चाहे 10-15 लगे, 15 लगे, 20 करोड़ रुपए, जितना भी पैसा लगेगा, पैसे का कोई अभाव नहीं आएगा। हमारी कोशिश है कि 2023 में इसकी शुरुआत कर दें, नहीं तो 2024 में तो शुरुआत कर दें इसकी, और इसको हम एक बेहतरीन यूनिट बना सकें,
ताकि हमारी सब जो आवश्यकता है, जो एक सामान्य हॉस्पिटल में आवश्यकता होती है, वो सब आवश्यकता इस मेडिकल कॉलेज में हो जाए। हमारा प्रयास तो वहां तक चल रहा है कि दूर दराज के गांव के अंदर, मैं देखता हूं कि कई बार दूर दराज के गांव के अंदर चिकित्सा की और मरीज को बीमारी की जानकारी नहीं होती, और जानकारी होती है तो कई बार धन का अभाव होता है। इसलिए हमने प्रयास किया है कि तमाम कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के अंदर मेडिकल वैन चल चिकित्सालय जो उनके घर तक जाएगा और प्रारंभिक जांच करेगा, और प्रारंभिक जांच में जो गंभीर बीमारी प्राप्त होने की संभावना होगी या जिसकी जांच में कुछ ऐसी कमी आएगी कि इसको हमें मेडिकल कॉलेज में दिखाना है, जयपुर दिखाना है, दिल्ली दिखाना है, ताकि हम आने वाले समय के अंदर दूर दराज के गांव के व्यक्ति को भी स्वस्थ रख सके। और इसलिए उसके घर तक चल चिकित्सालय जाएगा। आने वाले समय में 6 महीने के अंदर एक लीवर की जांच की एक मोबाइल वैन भी यहां पर आने वाली है, जो क्योंकि लीवर्स के कारण भी काफी बीमारियां होती है, जिसकी कीमत करीबन 70 लाख, उसमें इक्विपमेंट लगेंगे, 1 करोड़ की बस होगी, वो भी गांव गांव में जाएगी और लीवर की जो भी जांचें संभावनाएं भविष्य में दिखती है उनकी जांच भी होगी। और उसके लिए जो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं देश के अलग अलग हिस्सों के, वो समय समय पर 6 महीने के अंदर एक बार आकर यहां पर लीवर की जांच भी करेंगे। इसी तरीके से कैंसर की मोबाइल वैन भी चलाने का इरादा है, ताकि गांव गांव के अंदर ब्रेस्ट कैंसर, अन्य कैंसर जो महिला के होती है उनकी जानकारी नहीं होती, जानकारी के अभाव के कारण कई बार कैंसर बढ़ जाता है। मैंने देखा गांव के अंदर कई बार बीमारियों की जानकारी, उनकी बीमारी इतनी बढ़ जाती है कि उसका इलाज करना संभव नहीं सकता। अगर प्रारंभिक रूप से ही इलाज, उस बीमारी का जानकारी मिल जाए तो निश्चित रूप से हम उसको इलाज करके स्वस्थ रखेंगे। इसलिए हर गांव हर व्यक्ति स्वस्थ रखना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, और इस दिशा के अंदर हम काम कर रहे हैं। आने वाले समय के अंदर निजी सहयोग से हर गांव में एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी हम तैयार कर रहे हैं, जिसके पास प्रारंभिक इक्विपमेंट होंगे, बीपी मशीन होगी, खून जांचने की कुछ छोटे इक्विपमेंट होंगे, और उसके साथ जो जो प्रारंभिक इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती, जो एक ट्रेनिंग के बाद वह वहां पर एक जानकारी प्राप्त कर सके, कहीं ना कहीं इसकी गंभीर बीमारी के संकेत दे रखें, ताकि उसको रेफर कर सके, पास के मेडिकल कॉलेज में रेफर कर सके, अस्पताल में रेफर कर सके, वहां CSC में और जांचें करा सके, ताकि हर व्यक्ति स्वस्थ रह सके। ये हमारी जिम्मेदारी है, और इसके लिए मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। सरकारी स्तर पर भी सहयोग की आवश्यकता है, निजी स्तर भी आवश्यकता है। हम इतनी संवेदना के साथ काम करना चाहते हैं कि कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र इन चिकित्सा के रूप में एक मॉडल संसदीय क्षेत्र बने, ताकि हम देश को बता सकें किस तरीके से हमने सबको स्वस्थ रखने के लिए व्यापक अभियान शुरू किया है। इसी तरीके से आने वाले समय जितने भी स्कूल के बच्चे हैं, उन सारे बच्चों का मेडिकल चेकअप कराएंगे, ताकि कई बार मैंने देखा कि बच्चों के प्रारंभिक में कई बीमारियां होती है, लेकिन जानकारी के अभाव में वो इलाज नहीं करा पाते, या धन का अभाव होता है उसके कारण इलाज नहीं करा। तो इसलिए सारे स्कूलों की मेडिकल जांच भी कराएंगे, और उसमें जांच में जो कोई गंभीर मरीज नंबर आएगा उसका इलाज कराएंगे, कुछ आपके सहयोग कराएंगे, कुछ जन सहयोग से कराएंगे, लेकिन हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। मैं इस मौके पर आप सबको धन्यवाद देता हूं, आपने कोरोना के समय जिस अथक प्रयासों से इस मेडिकल कॉलेज में लाखों लोगों की जिंदगी को बचाने का काम किया, पुण्य का काम किया। मैं देखता था कि रात भर मैं भी कई बार बात करता था, कोई चिकित्सक कभी भी कोई भी चीज के लिए ना नहीं करता था, वो इमीडिएटली इस कोरोना की द्वितीय लहर में, सेकेंड लहर जो बहुत गंभीर घातक थी, उसमें भी कई चिकित्सकों ने अपनी रातें हॉस्पिटल कैंपस में बिताई है। कई हमारे अटेंडेंट, स्वीपर, छोटे से छोटे कर्मचारी ने भी अपनी सेवाएं दिए। कई बार तो उनके परिवार के लोग नहीं आते थे, लेकिन वो अटेंडेंट, वो सफाई कर्मी उसकी सेवा करने का काम करता था, वो सब धन्यवाद के पात्र हैं। और हमारी सबकी एक ही प्रयास है, एक ही कोशिश है कि हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, और स्वस्थ रखने के लिए जो कुछ भी हमारे प्रयास हो सकते हैं,
उन प्रयासों को हम करें, हमें आने वाले समय जो दुनिया में नए रिसर्च हो रहे हैं, नए शोध हो रहे हैं, उनकी जानकारी हमारे पास होना चाहिए और दुनिया भर के रिसर्चों से हम कनेक्टिविटी हमारी होनी चाहिए। आजकल तो दुनिया के अंदर हम यहाँ बैठकर दुनिया के अंदर हो रहे रिसर्च, नई टेक्नोलॉजी, नई बीमारियों का इलाज की जानकारी यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं मेडिकल कॉलेज में, क्योंकि आपको अध्ययन अध्यापन का कार्य भी करना पड़ता है, इसलिए नए बीमारियों से आपको अपडेट भी होना पड़ता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि यहाँ पर छोटी एक रिसर्च यूनिट बने, लैब भी बने, अगर उसके लिए कोई आवश्यकता होगी तो मैं पूरी मदद करूंगा। और देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो बड़े संस्थान है उससे हमारी कनेक्टिविटी हो जाए, ताकि आप आने वाले समय में गांव के अंदर भी टेलीमेडिसिन को जोड़कर हर सीएससी पीएससी को मेडिकल कॉलेज के साथ जोड़ने का एक व्यापक संवाद का केंद्र स्थापित कर सकें, ताकि जो गरीब व्यक्ति वहां पर सीएससी में पहुंच जाए और आपसे कम से कम एक घंटा आप उसको दे दो, ताकि उससे बातचीत हो सके, उसकी जो कुछ भी जांच है उसके आधार पर उसका इलाज कर सको, ताकि हम समाज के अंतिम व्यक्ति के मैदान में व्यक्ति को भी स्वस्थ रख सकें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।